फेस कर दो और फेस कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है। हम सबको एक नई पहचान मिल रही है और वह पहचान है कि सैकड़ों वर्षों से इस स्थान की पहचान इसको कामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक स्मृति स्थल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कदमों से संपन्न हुआ है। आप सब जानते हैं आज इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जितनी भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वह किसानों के हित के लिए हो, नौजवानों के हित के लिए हो, दलितों वंचितों गरीबों वनवासियों गिरवासियों और महिलाओं के कल्याण के लिए हो, इन सबके प्रेरणा पुंज अगर कोई महापुरुष है वह नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रत्येक गरीब को जिसके सिर में ढकने के लिए छत नहीं, अगर एक आवास देने की बात कर रहे हैं, पहली बात होता है कि जब देश के अंदर 2022 तक हर गरीब को छत देने के संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कार्य प्रारंभ हुआ है।
भारत सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आज अगर संभव हो पाया है एक साथ सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ आज यहाँ पर अपने राष्ट्र व्यक्ति के कर कमलों से केंद्र प्रदेश की योजनाओं और यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पवित्र स्मृति स्थल के निर्माण के लिए आज कार्य यहाँ पर संभव हो पाया है, इसलिए क्योंकि केंद्र में आपने प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को मिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए गांव गरीब किसान नौजवान और महिलाओं इन सब के उत्थान के लिए उन सब के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इस अवसर पर एक बार पुनः ये दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक तरफ सैकड़ों वर्षों की आपकी छुपी हुई पहचान को आज यहाँ पर इस मंच के माध्यम से भारतीय रेल ने इस जंक्शन का नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करने और साथ साथ यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को सजोए रखने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ भी वाराणसी का प्राधिकरण और संस्कृति विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सम्मुख करने जा रही है। इस अवसर पर एक बार अपना आदरणीय राष्ट्रीय व्यक्ति का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।